अस्सलाम वालेकुम नाजी, मैं नाम शैली मालिन है। आप सब कैसे हैं? अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ खोवा पूरी, जिसके इंग्रेडिएंट्स हैं कुछ ख़ास नहीं, बस फ्रेश खलाखल एंड मैदा। चले आइए, फर्स्ट हम मैदे को भिगा लेते हैं। चलिए आइए हम मावा पूरी बनाने की तैयारी करते हैं। आटा मैंने भिगा लिया है। हमें दो छोटे छोटे रोटियां बनानी है, एक ऊपर और एक नीचे के लिए। चलिए आइए, से फिलिंग का टाइम है। वो ऐसे ऐसे इसके ऊपर हल्का सा डिजाइन बना लेंगे इसे। चलिए इसे साइड में रख लेते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। जितना मीठा आपका खलाखन होता है, अगर इसे इस रोटी में लगा के अगर खाए ना, आपको उतना मीठापन महसूस नहीं होगा, लेकिन टेस्ट बढ़िया आता है।
इसे अच्छे से दबाना चाहिए ताकि तलने के टाइम पे खुले ना। लग रही है ना परफेक्ट। इसी तरह हम पूरे बना लेंगे खोआ पूरी। हमने यहाँ तेल चढ़ा लिया है कढ़ाई में। चलो देखते हैं तेल गर्म हुआ है या नहीं। हमारा तेल तो गर्म हो चुका है। डालते हैं इसमें बिस्मिल्लाह। ज़्यादा आंच पे बिल्कुल भी ना पकाएं, जितना हो सके उसे धीमी आंच पे ही पकाना चाहिए।
लीजिए, तैयार हो चुकी है हमारी खोआ यानी खलाखन पूरी। कैसी लगी हमारी रेसिपी आज की, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं मोमोज की रेसिपी लेके आ रही हूँ, देखना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक शेयर तो बनता है। थैंक यू, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, आमीन। लीजिए, तैयार हो चुकी है हमारी खोआ यानी खलाखन पूरी। कैसी लगी हमारी रेसिपी आज की, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं मोमोज की रेसिपी लेके आ रही हूँ, देखना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक शेयर तो बनता है। थैंक यू, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, आमीन।